नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में कि नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है और हम इसको किस तरह से लेथ मशीन पर परफॉर्म करते हैं, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में कि टाइप्स ऑफ नर्लिंग क्या होती है, नर्लिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं, कितने टाइप की है, कैसे करते हैं, सभी कुछ डिस्कस करेंगे हम आज नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो नर्लिंग ऑपरेशन है वो कैसा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक जॉब है, मैंने इसमें ये नर्लिंग काटी हुई है। ये जो डाब देख रहे हैं अभी, ये डायमंड नर्लिंग है जो हमने इस जॉब में काटी हुई है, डायमंड नर्लिंग काटी हुई है हमने। तो ये दोस्तों नर्लिंग है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इसमें जो नर्लिंग है ये ऑपरेशन होता क्यों है और किस लिए करते हैं। तो ये नर्लिंग जो है दोस्तों, एक नर्लिंग टूल होता है हमारा, उस टूल से हम इसको नर्लिंग को काटते हैं। और ये अच्छी ग्रिपिंग, अब देखिए जो ग्रिप है ना हमारी, ये मैं इसको पकड़ रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, एक यहाँ से होल्ड करता हूँ, ये देखिए यहाँ से स्लिप करेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से किसी को पकड़ता हूँ इसको, तो ये ग्रिप अच्छी बनाती है। तो नर्लिंग ऑपरेशंस है हमारे कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी, जैसे माइक्रोमीटर में जो उसका थ्रिम्बल्स होती है जिसकी, उसमें हमने जो थ्रिम्बल रहती है उसमें हम नर्लिंग कटी होती है, उसमें डायमंड नर्लिंग होती है, यही सेम इसी तरह की। तो इस तरह की ये जो नर्लिंग है ये अच्छी ग्रिपिंग के लिए, स्क्राइबर, पंच, हमारे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं नट्स वगैरह में भी ये नर्लिंग की जाती है। तो इसलिए हम ये नर्लिंग का मेन जो है मोटिव हमारा, वो ग्रिपिंग के लिए करते हैं। हम हमारी जो ग्रिपिंग है वो अच्छी ग्रिप बनती है, तो इस तरह से हम इसको नर्लिंग ऑपरेशन बोलते हैं। नर्लिंग के बाद बात करते हैं, इसके बाद दोस्तों जो नर्लिंग है वो हमारा कई डिफरेंट टाइप्स की होती है नर्लिंग। आप देखेंगे मैं यहाँ पर ये दो जॉब्स और पहले भी दिखाई मैंने, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये स्ट्रेट नर्लिंग है, दोनों जॉब्स में देख रहे हैं ये स्ट्रेट नर्लिंग है। तो दोस्तों नर्लिंग के बारे में बात करें कि जो नर्लिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों नर्लिंग की जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रेट नर्लिंग है वो, कुछ स्ट्रेट नर्लिंग जो होती है हमारी वो कुछ सीधी सीधी, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स बनी हुई हैं इसमें। तो ये हमारी है स्ट्रेट नर्लिंग। तो दोस्तों स्ट्रेट नर्लिंग में हमारी जो नर्लिंग होती है वो तीन टाइप्स की में अलग अलग हो जाती है, वो इसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग तीन अलग अलग स्ट्रेट नर्लिंग या फिर क्रॉस, सेम अगर हम क्रॉस नर्लिंग, सेकंड होती है हमारी क्रॉस नर्लिंग जिसमें इस तरह से ये क्रॉस बनी हुई होती है। इसमें ये जो अभी देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन्स हैं उसमें ये इंक्लाइंड होगी एक एंगल्स पे, तो इस तरह से वो होती है हमारी क्रॉस नर्लिंग। ये है हमारी स्ट्रेट नर्लिंग। स्ट्रेट नर्लिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी जो स्ट्रेट नर्लिंग, ये जो नर्लिंग है ये तीन टाइप्स की होती है, जिसमें कि मैं आपको ये देखो हमारा ये नर्लिंग का ये टूल होल्डर है, आप देखेंगे यहाँ से ये जो टूल होल्डर है, इस टूल होल्डर में नर्लिंग जो है ये हमने एक ही में तीन तरह की नर्लिंग लगाई हुई है इसमें, ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेट नर्लिंग है। लेकिन स्ट्रेट नर्लिंग में भी देखेंगे आप, इसके जो टूल है नर्लिंग का, जो इस नर्लिंग का जो इसका नट है, ये देखिए अलग अलग साइजेस की है, देख सकते हैं आप यहाँ से अलग अलग साइजेस के हैं। तो दोस्तों इन अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले देखेंगे ये हमारी फाइन स्ट्रेट नर्लिंग है, उसके बाद फाइन के बाद इधर से ये कोर्स, फाइन के बाद ये हमारी मीडियम है और ये कोर्स, यानी कोर्स, मीडियम और फाइन, ये मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी जो इसकी जो टीथ्स हैं ना, इसके जो ये टीथ हैं वो क्लोज हैं तो ये फाइन नर्लिंग हो गई हमारी, जिसके थोड़े से दूर हो गए वो मीडियम, और उसके बाद इसके सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं इसके टीथ्स की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूरी पे है, तो ये हमारा हो गया इसका कोर्स नर्लिंग। तो ये तीन तरह की स्ट्रेट नर्लिंग और क्रॉस नर्लिंग में अलग अलग नर्लिंग जो होती है हमारी, वो अलग अलग साइजेस की हम नर्लिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इसकी डायमंड नर्लिंग के बारे में। तो देखिए डायमंड नर्लिंग के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ये दूसरा टूल होल्डर है हमारा, पहले मैंने दिखाया आपको स्ट्रेट नर्लिंग का टूल होल्डर था, और ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये डायमंड नर्लिंग का टूल होल्डर है। सेम इसमें भी देखिए, इसमें भी डायमंड नर्लिंग में क्या होता है, इसमें भी दो रोलर्स लगे होते हैं, दोनों एक साथ मूव करते हैं और क्रॉस नर्लिंग बनाते हुए इस तरह के, जैसे ये जॉब दिखाया था मैंने आपको, ये इस तरह के जॉब्स में ये इस तरह की नर्लिंग कट करते हैं। तो ये हमारा है डायमंड नर्लिंग टूल, इस तरह की टूल से हम डायमंड नर्लिंग करते हैं। डायमंड नर्लिंग के बाद जैसे मैंने आपको स्ट्रेट नर्लिंग बताया था, स्ट्रेट के बाद ये जो क्रॉस बताई थी, सेम इसमें क्रॉस में सिंगल रोलर्स होते हैं, जैसे ये रोलर है ये इसमें क्रॉस, दोनों ही क्रॉस करके डायमंड नर्लिंग करेंगे, सेम उसमें क्या होता है क्रॉस रोलर्स होते हैं, और वही मेथड्स होता है उसमें भी, इसके टीथ के अकॉर्डिंग कोर्स मीडियम और फाइन,
उसके बाद जो ये डायमंड नलरिंग बताया मैंने आपको, जो ये डायमंड नलरिंग है, ये डायमंड नलरिंग भी दो टाइप्स में होती है हमारी अलग अलग, जिसमें कि सबसे पहली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डायमंड, ये डायम कट कट करे हुए हैं, ये ऊपर की साइड हैं, यानी ये जो है हमारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। एक आती है जो इसको हम फर्म टूलिंग बोलते हैं, एक होती है इसमें अंदर की तरफ जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कट लगे हुए हैं, ये अंदर की तरफ होंगे, वो एक मेल और एक फीमेल दोनों में आती है हमारी ये डायमंड नलरिंग। ये हमारा देखेंगे तो बाहर की तरफ हमारा इसमें कटा हुआ है, ये हमारी जो है मेल नरलिंग है, और दूसरी जो अंदर की तरफ ग्रुप रहेगी वो फीमेल नरलिंग में रहता है। तो इस तरह से ये हमारी टाइप्स ऑफ नरलिंग्स होते हैं अलग अलग। ये हमारे इसके नरलिंग के टूल होल्डर्स हैं, ये सभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नरलिंग के टूल होल्डर्स हैं। इन सभी होल्डर से मैं आपको अभी आगे लेथ मशीन पे ऑपरेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। लेथ मशीन पे करने के लिए फिर हमें क्या क्या चाहिए, तो ये सबसे मेन चीज़ हमारे ये टूल होल्डर्स हैं, इन टूल्स की हेल्प से ही हम ये नर्लिंग कट करते हैं, चाहे स्ट्रेट नर्लिंग हो, क्रॉस नर्लिंग हो, डायमंड नर्लिंग हो, उसके अकॉर्डिंग मेल फीमेल डायमंड में हो, या फिर इसकी जो स्ट्रेट नर्लिंग में कोर्स पिच की हो, फाइन हो, या फिर मीडियम पिच में हो, तो अलग अलग पिच की नर्लिंग हम इसमें कट सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक यहाँ पर ये एक जॉब बनाई है मैंने, कंपोनेंट तैयार किया हुआ है, इसमें मैं अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको नर्लिंग करके दिखाऊंगा लेथ मशीन पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे वर्कशॉप में और देखते हैं हम ये नर्लिंग ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो दोस्तों आ गए हम अभी अपनी लैब में लेथ मशीन पे, आप देख रहे हैं ये हमारी है लेथ मशीन। तो दोस्तों लेथ मशीन पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस बनाए हुए हैं, तो मैं उनका इसके पार्ट्स के नाम है सभी पर वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो मैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारा ये जॉब हमने क्या किया है, इसमें ये जो हमारी जॉब है इसको हमने यहाँ सबसे पहले अपनी जॉब को यहाँ पर क्लेम किया। तो आप देख रहे हैं ये जॉब जो है हम यहाँ पर इस लाइव सेंटर की हेल्प से यहाँ पर जो है ये लाइव सेंटर है यहाँ पर, ये इसका ये देखेंगे यहाँ से ये लाइव सेंटर है यहाँ पे, तो इस लाइव सेंटर की हेल्प से हम यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ चक में जॉब को क्लैम करते हैं। यहाँ से हमने इसके चक को क्लैम कर दिया अच्छे से, उसके बाद यहाँ से हमने इसके जो ये लाइव सेंटर है हमारा इसको भी क्लैम करके और इसकी भी की से इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ से इसको भी क्लैम कर दिया। सो उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं हमारा जॉब जो है किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो देखेंगे इस तरह से हमारा ये जॉब प्रॉपरली रोटेट कर रहा है, पूरा वर्क कर रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके जो हमने जो टूल्स लगाए हैं वो किस तरह से लगाए हैं, जो मैं आपको अभी पहले दिखा चुका हूँ, इन सभी टूल्स को मैंने दिखाया था, तो वहीं सेम हमने ये जो टूल्स हैं हमारे, ये जो टूल्स हैं, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमने ये हमारा टूल पोस्ट है, 4-बे टूल पोस्ट है, तो हमने इसमें दो टाइप्स के टूल्स लगाए हैं। एक तो सबसे पहले हमने ये लगाया है जिसमें स्ट्रेट नर्लिंग है, और स्ट्रेट नर्लिंग में हमारे इसमें तीन अलग अलग रोलर्स हैं जिसमें हम तीन तरह की अलग अलग नर्लिंग कट करेंगे इसमें, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड रहती है हमारी, जैसे ये फाइन पिच की हो गई, इसके बाद ये मीडियम हो गई, और इसके बाद ये कोर्स। उसके साथ हमने सेम अपोजिट एक और टूल लगाया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से ये एक और टूल जो है ये हमने डायमंड नर्लिंग का टूल लगाया है। यहाँ से इसमें दो रोलर्स हैं, ये दोनों रोलर्स एक साथ मैश करते हुए चलेंगे और हमारी डायमंड नर्लिंग को कट करेंगे। तो ये सभी हमारे इसके रोलर्स हैं। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशन करके देखेंगे कि किस तरह से हम नर्लिंग ऑपरेशन को कट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने ये जो नर्लिंग है इसमें सबसे पहले हम ये वाला इसकी जो फाइन फाइन वाली जो स्ट्रेट नर्लिंग है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने इसका जो एक क्लैम्प है इससे अच्छे से इसको क्लैम्प कर देते हैं पूरा, ये हमने यहाँ से इसको इससे क्लैम्प कर दिया। उसके बाद हमने हमारा जो ये टूल पोस्ट है इसको भी हम टाइट करते हैं, जॉब हमारी बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स है। यहाँ से पूरा ये लाइव सेंटर के साथ हमने इसको पूरा अटैचमेंट फिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हम नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम इस तरह से इसके पास लेके जाएंगे टूल को, यहाँ से टच करके देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मशीन को हमें याद हमेशा ध्यान रखना है, मशीन जो है हमारी वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलनी चाहिए, ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं हमें नर्लिंग करनी है। उसके साथ हम इस तरह से इसको क्रॉस लाइट से फीड देंगे, और इस तरह से फीड देते हुए यहाँ से फीड देंगे, और उसके बाद इसकी लीनियर स्लाइड से इसको आगे की तरफ रोटेट कराएंगे।
साथ में हमें इसके साथ इसको लुब्रिकेंट कूलेंट जरूर डाल देना इसके साथ। तो दोस्तों देखेंगे हमें यहाँ पे हमने ये देखिए हमने फर्स्ट जो स्टेप है हमने नर्लिंग का वो कर लिया, हमने काट कर दिया। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट नर्लिंग जो कट की हमने यहाँ से इसकी हेल्प से स्ट्रेट नर्लिंग कट की हमने। उसके बाद हम यहाँ से इसकी जो दूसरी है उससे नर्लिंग कट करेंगे। सो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसके नट को लूज़ किया हमने और फिर यहाँ से इसको रोटेट करते हैं। तो देखिए हमारे तीन रोलर्स हैं, इसमें से हम तीनों में से किसी कोई भी कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे लास्ट जो हमारी मैक्सिमम कोर्स वाली होती है एक हमने यहाँ पर फाइन की है और यहाँ पर हम ये वाली कोर्स करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपको डायमंड करके दिखाऊँगा। तो इसमें अभी हम कोर्स नर्लिंग पे इसको हम टूल को सेट कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये देखा हमने यहाँ पर ये स्ट्रेट नर्लिंग की जो कोर्स नर्लिंग जो है हमारी ये रोलर इसको सेट कर दिया है। अब हम दोबारा से वही मशीन को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस फिर दोबारा से हम करते हैं इसमें। फाइनली हमारी जो ये नर्लिंग है ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये देखिए ये नर्लिंग और इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसकी जो पिच है जो इसकी टीथ है वो क्लोज है, यहाँ पर इसके कोर्स हैं, दोनों की दोनों स्ट्रेट नर्लिंग ही है। इसके बाद मैं आपको अब दिखाऊंगा यहाँ से डायमंड नर्लिंग जो है वो टूल, डायमंड नर्लिंग टूल कैसे काम करता है। मैंने दिखाया था आपको टूल पोस्ट में, मैंने दो टूल बांधे हैं। मैं इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये डायमंड नर्लिंग का टूल है हमारा। तो मैं आपको लास्ट स्टेप में यहाँ पर ये डायमंड नर्लिंग कट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करते हैं। इस तरह से हमने अपने टूल को दोबारा अपनी सही पोजीशन पे फिक्स किया। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमने इसकी रोलर्स की पोजीशन को सेट कर लिया। इसके बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं और सेम वही प्रोसेस हमारा इसको भी नर्लिंग करने का। इस तरह से यहाँ से हम लीनियर स्लाइड से फीड देंगे और क्लोज जो हमारी क्रॉस स्लाइड है उससे डेप्थ ऑफ कट देते हुए लेफ्ट और राइट की तरफ रोटेट करेंगे और साथ में कूलेंट या लुब्रिकेंट जो ऑयल कोटिंग ऑयल होता है कटिंग ऑयल का जरूर यूज़ करना है हमें। फाइनली अब देखते हैं दोस्तों हमारी जो ये नर्लिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो देखा आपने दोस्तों यहाँ पर मैंने डायमंड नर्लिंग, यहाँ पर स्ट्रेट नर्लिंग के दो अलग अलग जो पिच के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग दो अलग अलग काटी हैं और यहाँ पर ये डायमंड नर्लिंग काटी है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही आपने, हमने तीनों ही स्टेप इसके नर्लिंग के कट किए हैं। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में कि किस तरह से हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं और नर्लिंग एक्चुअल में होती क्या है, सभी पर हमने डिस्कस किया। तो आई होप नर्लिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सभी क्रैक किए होंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।